हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र एमएससी नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, महाराष्ट्र एमएससी नर्सिंग 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिलीज हो चुका है। किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगी, उस लिंक पर क्लिक करना है तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे आते ही सबसे पहले आप लोगों को क्या कर देना है, आप लोगों को यहाँ पे गाइस अपना जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा देना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने का सिंपली आपको यहाँ पे गो अहेड पे क्लिक कर देना है। अब गाइस, जैसा वो लोग यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा के यहाँ पे गो अहेड पे क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे आप लोग अपना जो लास्ट नेम एंटर कर देना होगा, देन गाइस यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देना, देन लास्ट में आपको यहाँ पे जो मिडिल नेम एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस है, आपको सिंपली अपना एड्रेस एंटर कर देना होगा। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है गाइस, यहाँ पे आपको अपना जो है वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर कर देना होगा। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे आप लोगों को मैं अपना ईमेल एड्रेस एंटर करके बता रहा, आपको खुद का अपना वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा। देन गाइस, यहाँ पे आप लोगों को जो अपना बर्थडे एंटर कर देना है, बर्थडे एंटर करने के बाद नेशनलिटी हो गई, कंट्री सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, शादी का स्टेटस क्या है, मैरिज अनमैरिज आपको वो सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद यहाँ पे गाइस, जो आपका बर्थडे का फॉर्मेट है, वो पहले मंथ डेट और फिर ईयर, ये फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऊपर फॉर्मेट बता दिया है। देन आपका जो भी कास्ट है गाइस, यहाँ पे कास्ट एंटर कर देना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ पे आपको नीचे आपका जो है कास्ट एंटर कर देना है। कास्ट के बाद गाइस, यहाँ पे सब कास्ट हो गया, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी होगी। देन यहाँ पे आपका एसएससी परसेंटेज कितना था वो आपको एंटर कर देना होगा, 12 का परसेंटेज आपको एंटर कर देना है यहाँ पे। देन आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, यस या नो, इंटर्नशिप आपका कंप्लीट हुआ है, यस या नो कर देना है। प्रेजेंटली सिक्योर्ड एडमिशन यानी डिप्लोमा या पीजी कोर्सेज, यस या नो में आपको जो भी पूछा है वो सारे आंसर दे देने। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव एप्लीकेशन करना है या फिर भी कोर्स आपका कोर्स प्रीफर्ड क्या करते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल आप लोगों को जो है एंटर कर देनी है, सारी जो नीचे जो डिटेल्स है वो सारी आपको यहाँ पे जो है एंटर कर देनी होगी। यहाँ पे आपका डेट, मंथ एंड ईयर यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद सिंपली ऐड कोर्स प्रेफरेंस पे जाना होगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करते हैं आप लोगों के सामने जो यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपने कोर्स प्रेफरेंसेस जो है पूरी तरह से ऐड करने होंगे। अगर तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे तो आपका प्रेफरेंसेस आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी आपका प्रेफरेंस है वो सेलेक्ट कर लेना होगा और अपडेट प्रेफरेंस लिस्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे जो है प्रेफरेंस भी आप लोगों का अपडेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक कर देना और फिर आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे जो है पूरी तरह से ऐड कर देनी होगी। उसके बाद सिंपली पे एप्लीकेशन फी पे क्लिक करना है, 1000 रुपीज़ आपके एप्लीकेशन फी चार्जेस पे करना है और सबमिट एंड प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके फिर लास्ट में आपका एप्लीकेशन सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। इनकेस भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।